जो हुकूमत ने, अडवाणी साहब, जो हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, 20 अरब रुपए की लागत है, एक मारूफ निजी एंकर और निजी टीवी चैनल के एंकर ने कहा है कि मुझे 5 दिन का टाइम दे, ये 20 अरब मैं आपको जमा करके देता हूँ। देखिए, हुकूमत का ये प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि उनको पता है अगर इलेक्शन होते हैं तो वो लोग हार जाएंगे, उनको तो अपनी हार नजर आ रही है, तो वो तो बहाने आने वाले करते रहेंगे। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये था कि कोर्ट को, यानी चीफ जस्टिस साहब को फुल बेंच बिठा देना चाहिए था, जब इतना कंट्रोवर्सियल माहौल हो गया है, मामला हो जाते हैं, तो उनको उनको शायद इस जीत से बाहर आ जाना चाहिए और उनको फुल कोर्ट बिठा देते तो काफी हद तक मामले मामला सेटल हो जाते हैं। अब ऐसा हो कि अगर इनका कितना भी फैसला आएगा, कोई भी फैसला आएगा, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उससे तंकी शुरू हो जाएगी, लॉयर तंकी शुरू कर देंगे बाहर, तो मतलब कहने का ये है कि इनके अंदर से जब तंकीद हो जाएगी तो हुकूमत के लिए मामला आसान हो जाएंगे उसके ऊपर अपना कार्ड खेलना। तो मकसद कहने का इनको फुल कोर्ट बना देना चाहिए था।